हेलो फ्रेंड्स, डिज़र्ट खाना तो सबको पसंद है, बट बिना शुगर के डिज़र्ट कैसे खाएं? तो चलिए बनाते हैं जीरो शुगर डिज़र्ट। जो भी डिश लेनी है जिसमें आपको डिज़र्ट प्रिपेयर करना है, वो आप डिश ले लीजिए और उसमें हम ओट्स की एक लेयर सेट कर देंगे। ज़्यादा थिक नहीं रखनी है, बट हाँ थोड़ी सी थिक रखनी है। यहाँ लगभग मैंने 1.5 कप ओट्स लिए हैं। आप इन ओट्स को चाहें तो रोस्ट कर सकते हैं या चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने इन ओट्स को रोस्ट नहीं किया है। यहाँ मैंने 1 ग्लास दूध ले लिया है, नॉर्मल मिल्क लिया है। आप चाहें तो कोकोनट ओट्स या आलमंड मिल्क भी ले सकते हैं, आपके अपनी चॉइस के ऊपर है, बट यहाँ मैंने नॉर्मल मिल्क लिया है। इसको मैं सेट कर दिया है, भिगो दिया है। थोड़ी देर इसको हमें रखना है। यहाँ मैंने लिया है बेसिल सीड्स, जिसको हम सब्जा भी कहते हैं, और समर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा है, हमारे बॉडी में बहुत ठंडक देता है। बट यस, इसको ओवर यूज़ भी नहीं करना है, बिकॉज ये ब्लोटिंग भी बहुत करता है। यहाँ देखिए मैंने अभी ही डाला है और ये सब्जा सीड्स जो हैं वो फूलने लग गए हैं। ये देखिए ये ऐसे फूल जाते हैं, अभी थोड़े से और फूलेंगे। यहाँ ये देखिए 20 मिनट ही हुए हैं और ओट्स जो है वो फूल गया और सब्जा सीड्स भी रेडी हैं, तो अब हम इनको फैला लेंगे। यहाँ ये थोड़े से टाइट लग रहे थे मेरे को, तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाल के इसको फ्लोई बना लिया। यहाँ हम डाल लेंगे और इसको मैं अच्छे से पूरे ओट्स का जो लेयर है उस पर फैलाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अच्छे से इसको फैला लिया है। अब इसको आप थोड़ा सा और स्प्रेड कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने लिया है मैंगो, अपने पसंद के आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है मैंगो, एप्पल, पीच और कीवी। आप जो चाहें फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ मैंगो का बना सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर है। बट यस, मैंने मैंगो ज़्यादा लिया है बिकॉज मेरे को मैंगो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मैंने डाल दिया पीच, एप्पल और कीवी। एक लेयर फ्रूट की सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है चिया सीड्स थोड़े से, और उसके ऊपर वापस से फ्रूट की लेयर लगा दी है। जनरली लोग एक लेयर और ओट्स की भी लगाते हैं, बट बहुत ज़्यादा ओट्स हो जाएगा, बहुत हैवी हो जाएगा, और डिज़र्ट के हिसाब से रात के लिए इतना ओट्स खाना अच्छा नहीं है। सो मैंने इसमें यहाँ पे एक ही लेयर ओट्स की लगाई है। मैंने यहाँ अच्छे से फ्रूट को स्प्रेड कर लिया है और थोड़ा सा और ऊपर से यहाँ पे बेसिल सीड्स की हल्की सी एक लेयर और लगा दी है, फैला दिया है, अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है। और यहाँ हमने ज़ीरो शुगर रखा है, शुगर है ही नहीं। और जो भी शुगर आपको मिलेगी, जो भी मिठास आपको मिलेगी, वो फ्रूट्स की होगी। यहाँ मैंने डाल दिया है कैश्यू नट्स, जो कि मैं बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। बड़े बड़े नट्स मेरे को नहीं अच्छे लगते, तो मैंने छोटे छोटे डाल दिए हैं। यहाँ मैंने डाल दिया है ब्लैक रेजन्स, आप चाहें तो ब्लूबेरी भी डाल सकते हैं, क्रैनबेरी भी डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे डाल दिया है पम्पकिन सीड्स, आप यहाँ पे चाहें तो मेलन सीड्स भी डाल सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स भी डाल सकते हैं, कोई भी सीड्स आप इसमें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और मैंने थोड़े से डेकोरेशन के लिए ड्राई रोज पेटल्स डाल दिए हैं, ताकि थोड़ा सा और वो कलरफुल लगे। ये हमारा ज़ीरो शुगर डिज़र्ट बिल्कुल रेडी है। यहाँ मेरे को थोड़ी सी कमी लग रही थी, तो मैंने थोड़े से आलमंड फ्लेक्स भी डाल दिए हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कटे हुए थे आलमंड्स, मैंने वो भी डाल दिए हैं, ताकि थोड़े से और नटीनेस आ जाए हमारे डिज़र्ट में। अब ये डिज़र्ट कंप्लीट है, और ये कितनी जल्दी बना है और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और यमी तो है ही। तो आप भी ज़रूर ये ज़ीरो शुगर डिज़र्ट बनाइएगा। जिनको डायबिटीज़ है वो भी ये बहुत शौक़ से खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा।